रिविजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और उसको भी हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, लेकिन बीच में हमने एक जीके का क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि जीके से सीरीज लेके आए हैं। और जब भी हम कहीं जीके का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर को डाला ही डाला जाता है, मतलब उससे संबंधित दो तीन क्वेश्चन होते ही हैं और उन्हीं में होते हैं फुल फॉर्म। तो आज हम फुल फॉर्म देखेंगे जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म क्या है, है ना? आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म होती है, तो चलिए सबसे पहले वही देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उसके बाद हमारा अगला है माउस, यानी जो माउस होता है ना, लोग कहते हैं चूहा, वो चूहा नहीं होता है बल्कि वो बहुत ही लंबे नाम का एक छोटा सा फॉर्म होता है ना। तो चलिए इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि अगर मॉनिटर में कोई चीज है उसको सिलेक्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज होता है उसको माउस करते हैं कहते हैं। हमारा अगला है IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है ENIAC। आप लोगों को पता होगा कि ENIAC पहला कंप्यूटर है, मतलब पहले कंप्यूटर के बाद का कंप्यूटर है जिसको बनाया गया था, है ना? और इसका यूज गणना करने के लिए ही किया जाता था। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है यूनिवैक का है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना? और आप लोगों को शायद ना पता हो, जो यूनिवैक था इसको ज्यादातर व्यापारियों को बेचा गया था, इसका काम व्यापार में किया गया था, इसका यूज व्यापार में किया गया था। अगला है ITSEC। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है हमारा OCR। OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला है BCR। BCR का होता है बारकोड रीडर। देखिए, बारकोड रीडर आप लोगों को पता होगा, बुक के पीछे अगर आप देखिए जो बारकोड बना होता है उसी को रीड करने वाली मशीन को BCR यानी बारकोड रीडर कहते हैं। उसके बाद है MICR। इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगर आप लोगों ने चेक बुक देखा होगा तो मतलब जो चेक होता है उसके नीचे बहुत ही काले रंग का एकदम डार्क कलर का होता है ना, मतलब वो बारकोड, उसी को रीड करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR। उसके बाद है CRT कैथोड रे ट्यूब। फिर अगला है हमारा LED। LED का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी जो LED टीवी नहीं कहते, ये उसी LED का फुल फॉर्म है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है TFT। TFT का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और हमारा आज का आखिरी है LED, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा फुल फॉर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।